इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मिरर का पावर क्या होता है, पावर ऑफ मिरर। तो ये छोटी सी टॉपिक है, मैं बस फॉर्मूला इसमें बता दूं आपको। मेनली पावर ऑफ मिरर डिफाइन है -1/f के टर्म में, जहां f क्या है, फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ इसमें होना चाहिए किसमें, मीटर में, ठीक ना। मतलब पावर ऑफ मिरर जो है वो 1/f के टर्म में डिफाइन है, और f होना चाहिए हर समय मीटर में। अगर आप सेंटीमीटर में लिखते हो तो ऊपर 100 लिखोगे और नीचे ऐसे लिखोगे f इन सेंटीमीटर, ठीक ना। ये फॉर्मूला है बस पावर ऑफ मिरर का। और कभी कभी पावर ऑफ मिरर लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोई भी रे, अगर अब मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, कभी कभी लोग कहते हैं कि जब भी कोई रे, जैसे पावर किस रूप में डिफाइन है, आप देख रहे हो ना, पावर इक्वल टू 1/f है माइनस साइन के साथ। तो कभी कभी कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर का काम क्या है, यहाँ पर रे को इंसिडेंट कराना, फोकस पे इंसिडेंट करा देना, ठीक ना। जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे मिरर पर इंसिडेंट होगा, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर पास करेगा। मतलब फोकस पर पास कर रहा है, तो यहाँ पर देखना 2 मीटर पर पास किया है, पोल से 2 मीटर डिस्टेंस पर, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पर 2 मीटर मैंने लिख दिया था। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर इंसिडेंट कराओगे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो 1 ही मीटर पर पास करा दे रहा है, ठीक ना। अब ध्यान से देखना, अगर मैग्नीच्यूड की बात करें पावर के, तो एक इसका पावर आएगा 1/2, और उसका पावर आएगा अगर मीटर में ही है तो 1/1। अब किसका पावर ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 1। तो लोग कहते हैं, ध्यान से देखना, इसका पावर ज़्यादा है क्योंकि इसका फोकल लेंथ कम है, और इसका पावर, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस साइन हटा के बोल रहा हूँ, और इसका पावर क्या है, कम है इसके रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखना आप, लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि पावर जो है, कि मिरर पावर क्या है, रिफ्लेक्टेड रे को मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कितना जल्दी रिफ्लेक्टेड रे को इंटरसेक्ट करवा देता है, वो भी उसी को पावर बोलते हैं। जैसे देखना, ये 2 मीटर डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करवाया है, और ये 1 ही मीटर डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करवा दिया है, इसलिए इसका पावर ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखना, इसमें एक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है ये। वो है क्या, ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, ये पोल है, ये फोकस है, और उसके बाद कुछ ये ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पर कहीं इमेज है, अपने मन से बना दिया ये फिगर, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखना, फोकस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स डिस्टेंस पर है, और फोकस पॉइंट से जो इमेज है वो वाई डिस्टेंस पर है। तो फोकस पॉइंट से ये डिस्टेंस दिया गया है, फोकस से ऑब्जेक्ट है एक्स डिस्टेंस पर, और फोकस से ऑब्जेक्ट इमेज है वाई डिस्टेंस पर। तो ऐसे हालात में अगर फोकस से आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता हो और फोकस से आपको इमेज का डिस्टेंस पता हो, तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। और फोकल लेंथ जो होता है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ठीक ना। जहाँ एक्स क्या है, इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फोकस पॉइंट से, और वाई क्या है, इमेज का डिस्टेंस है फोकस पॉइंट से, ठीक ना। बस ये सब फॉर्मूला है छोटा छोटा, आप इसको ध्यान पर रखोगे तो कभी न्यूमेरिकल वैल्यू में काम देगा, क्वेश्चन बनाने में काम देगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप पावर का फॉर्मूला याद रखना, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर फोकस से दिया हो और इमेज का डिस्टेंस अगर फोकस से दिया हो, तो फोकल लेंथ कैसे निकालोगे वो याद रखना। ये फोकल लेंथ है, स्मॉल एफ लिखा हुआ है, ध्यान देना इस बात को। स्मॉल लेंथ, फोकल लेंथ का स्क्वायर एक्स इंटू वाई के इक्वल होगा, ठीक ना।